बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। घबराएं मत, रोजाना ये अमल करें, दौलत और रिज में खूब इजाफा हो जाएगा। हर हाजत हर मुराद आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो के अंदर इंतहाई खास अमल शेयर करने जा रहा हूँ, और खास उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द और दिनों के अंदर अंदर उनके रिज में, माल में, दौलत में खूब बरकत भी हो, इजाफा भी हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए उनके, और अल्लाह ताला उनको जो है वो सैलरी इंक्रीज कर दे, अल्लाह ताला उनको जॉब में प्रमोशन अता फरमा दे, अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी फरमा दे, अल्लाह ताला उनकी मन की मुरादें पूरी फरमा दे। अगर आपका भी यही है तो आपने ये वाला अमल जरूर करना है। बस करना क्या है, एक तस्बीह रोजाना पढ़नी है। कौन सी, मैं अभी शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। अमल पर जाने से पहले हम दो लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। दुआ पर आपने आमीन जरूर कहना है। आज आप किसी के लिए आमीन कहेंगे, कल कोई ना कोई आपकी दुआ पे आमीन कहेगा, आपकी भी दौलत रिज के मसाइल हल हो जाएंगी, आपकी हाजतें मुराद पूरी हो जाएगी। आज की जो पहली दुआ है वो यास्मीन नईम है, कहती है अल्लाह पाक मेरे शोहर को दौलतमंद कर दे, हम बहुत गरीब हैं। तो अल्लाह ताला से खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है कि अल्लाह ताला आपके शोहर को मालदार कर दे, अल्लाह ताला उनके रिज़ रोजी में इजाफा कर दे, अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह ताला जो है वो आपको बेहिसाब बेतहाशा दौलत अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपको आपकी नस्लों को हमेशा मोहताजी से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे ये हैं इमरान अली, कहते हैं भाई जान मेरे लिए दुआ करें, मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी गैबी तौर के ऊपर ऐसी मदद फरमाए कि जल्द अज जल्द दिनों के अंदर आपका अपना अपना घर बन जाए, अल्लाह ताला आपको अपना जाती घर नसीब करे जहाँ आप अपनी पूरी जिंदगी खुश और खुर्रम रह सके, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं वजीफे की तरफ। जो वजीफा मैंने आपको बताया ये कम से कम आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह जरूर पढ़े, ठीक है, बाकी आपकी जब भी दिल है इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हर नमाज के बाद एक तस्बीह आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। और अमल की इजाजत भी दे रहा हूँ, इजाजत के लिए आपने जो है वो तीन काम करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और इस अमल को बता रहा हूँ लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। आपके सामने आगे तस्वीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुस्तगीसीना अविस्ना। हर नमाज के बाद तस्बीह ये कम से कम 24 घंटे में एक तस्बीह आप जरूर पढ़ लें, अवल आखर सात मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाल्लाह रब की जात रिज दौलत भी अता करेगी, रब की जात आपकी हाजतों को भी इंशाल्लाह पूरी फरमा देगी। जरूर अमल कीजिएगा, फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।